अगर पानी की बात करें, पेयजल की बात करें, तो पेयजल यहाँ पे अगर तला नागपुर पेयजल योजना, यहाँ पे बहुत सालों से लोगों के थी कि पेयजल समस्या बढ़ी हुई है, लेकिन उसका समाधान नहीं हो पाया है। माननीय हरीश सावत जी से हमें उम्मीद थी कि यहाँ की क्षेत्र की उपेक्षा नहीं करेंगे, लेकिन माननीय हरीश सावत जी ने कोरी घोषणाएं देहरादून में बैठ के की हैं। लड़का कहीं भी दूर जा सकता है, हमारी जो इंटर में 12वीं में पढ़ रही बेटी वो कहाँ जाएगी? मैथ्स के टीचर नहीं है, केमिस्ट्री के टीचर नहीं है, फिजिक्स के टीचर नहीं है, या किसी भी महिला को परसा पीड़ा होती है, यहाँ डॉक्टर नहीं है। जहाँ तक पेयजल योजनाओं की बात है, बहुत सारी पेयजल योजनाएं हमारी सरकार के द्वारा बनाई गई हैं। पहले से आज की डेट में जो उत्पादन को लेकर चल रहा है, तो बहुत अच्छा, लोगों ने खेती बाड़ी की ओर रुझान कर रहे हैं। यहाँ पर भी लोगों ने बाहर से आके चुनाव लड़ा, चुनाव लड़के देहरादून सेटल हो गए। ये बात सही है कि यहाँ का जनमानस आखिर अपनी पीड़ा को, अपने विकास के दर्द को लेकर जाए तो कहाँ जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7, मैं हूं आपके साथ सोनू सिंह। आज हमारी चौपाल सजी है रुद्रप्रयाग में। जी हां, रुद्रप्रयाग का क्या है सूरत हाल, विकास के कितने कार्य यहां पर हुए हैं, क्योंकि मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा सबसे पहले हम इस एरिया के बारे में आपको जरूर बताना चाहेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये नदी घाटी का क्षेत्र है, ये जो कल कल कर पवित्र धारा बहती हुई आप देख रहे हैं, ये अलकनंदा और मंदाकिनी का जो है वो संगम है। और रुद्रप्रयाग की एक और विश्व स्तर की पहचान है, वो है भोले बाबा केदारनाथ की नगरी। दूसरा एक पहलू हम आपको और बताना चाहेंगे, जब से इस प्रदेश में दल बदल का की सियासत शुरू हुई है, तब से ये जो जिला है खास तौर पर रुद्रप्रयाग, ये विधायक विहीन हो गया है। आखिर यहाँ का जो जनमानस है वो अपनी जन समस्याओं को लेकर जाएगा तो किसके पास? जो विधायक थे उन्होंने दल बदल लिया है, वो दूसरी पार्टी में चले गए हैं और अब उनकी विधायकी चली गई, यानी विधायक के बिना ही इस जिले में विकास के कार्य हो रहे हैं। तो हम शुरू कर लेते हैं अपने इस चर्चा के सिलसिले को, आगे बढ़ा लेते हैं और बात करते हैं कि आखिर यहाँ की जन समस्या क्या है। हम अपने सहयोगियों से पूछ लेते हैं, आप ये बताइए कि यहां पर मुख्य जो समस्याएं हैं वो कौन सी हैं और ये जो विकास के कार्य हैं कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हाँ जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जनपद की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है और यातायात है। अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा काफी स्तर से यहाँ से घट चुकी है, क्योंकि जो एकल विद्यालय हैं सबसे ज्यादा तो छात्रविहीन है। दूसरी बात है पलायन का मुद्दा यहाँ पे सबसे बड़ा है। अस्पताल की बात करें तो जिला अस्पताल यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन केवल रेफर सेंटर बना हुआ है, क्योंकि ना डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, और जो इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई अब उसको पीपी मोड में लाना चाह रहे हैं। तो एक मुद्दा इस जनपद का ये मुख्य है। अगर पानी की बात करें, पेयजल की बात करें, तो पेयजल यहाँ पे, अगर तला नागपुर पेयजल योजना, यहाँ पे बहुत सालों से लोगों के थी कि पेयजल समस्या बढ़ी हुई है, लेकिन उसका समाधान नहीं हो पाया है। कुछ हद तक काम किया है, लेकिन कुछ हद तक काम नहीं हो पाया है। अगर यातायात की बात करें तो अभी भी सड़कों से लोग जूझ रहे हैं। भले अगर हम पुलों की बात करें तो पुल भी अभी तक तैयार नहीं हो पाए हैं। अगर सरकार की बात करें, सरकार कह रही कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन धरातल कितना काम हो पाया ये तो आने वाले सालों में और आने वाले चुनाव में ये जनता बताएगी कि किसने कितना काम करा है। जी हाँ, आप देख सकते हैं मेरी दाहिनी ओर जहाँ पर हम ये चौपाल की चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर ये विकास कार्यों की यदि हम हकीकत दिखाएं तो यहाँ पर ये नदी किनारे जो कनेक्टिविटी एक उत्तराखंड का बहुत बड़ा पहलू है, और कनेक्टिविटी पूरी तरह से जिस मात्रा में होनी चाहिए थी वो शायद नहीं हो पा रही है। यही वजह है कि ये पुल का निर्माण कार्य हो रहा है, आज से नहीं, काफ़ी लंबे समय से हो रहा है। हालांकि आवाज आई कि और भी व्यवस्थाएं करने का सरकार दावा कर रही है। जिस तरह से कनेक्टिविटी मजबूत होनी चाहिए उसमें शायद अभी खामियां हैं, उसको पूरा होने में अभी वक्त लगेगा, क्योंकि खूबसूरत नज़ारा है, भोले बाबा की नगरी है और यहाँ पर विधायक नहीं है। एक पहलू और इस जिले का है, ये जो जिला है रुद्रप्रयाग, इसके जो 3 ब्लॉक हैं वो पूरी तरह से जैविक खेती पर निर्भर है, यानी यहां पर जैविक खेती होती है। बावजूद इसके पलायन आखिर क्यों हो रहा है, क्यों नहीं सरकार पलायन रोक पा रही है? अगर यातायात की बात करें तो अभी भी सड़कों से लोग जूझ रहे हैं। भले अगर हम पुलों की बात करें तो पुल भी अभी तक तैयार नहीं हो पाए हैं। सिंहवाल जी, ये बताइए कि सत्ता पक्ष से भी हम जानेंगे, ये बताइए कि कौन से ऐसे विकास के मुद्दे हैं जो वास्तव में ही धरातल पर उतरना चाहिए था, जिनको नहीं हो पाए हैं? इस समय, वर्तमान समय में हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोनों विधायक यहाँ से हार चुके थे, तो हमें जो कांग्रेस के विधायक नए नवनिर्वाचित यहाँ पे चुन के आए थे उनसे हमें बहुत सारी उम्मीदें थी। यहाँ रोड की समस्याएं थी, हॉस्पिटल की समस्याएं थी। उसके बाद जब माननीय हरीश सावत से सब बगावत करके उस पार्टी से टूट चुके थे, तो उनकी विधायकी
हट चुकी थी, तो माननीय हरीश सावत जी से हमें उम्मीद थी कि यहाँ की क्षेत्र की उपेक्षा नहीं करेंगे, लेकिन माननीय हरीश सावत जी ने कोरी घोषणाएं देहरादून में बैठ के की हैं। हमें बार बार लालसा थी कि वो हमारे जिला मुख्यालय में आए, हमारी यहाँ की समस्या जाने। वो हेलीकॉप्टर से बहुत बार यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन उन्होंने रोड के गड्ढे और रोड के चलने वाले उस व्यक्ति की समस्या नहीं समझ पाई जो यहाँ के व्यक्ति को उम्मीद थी। थपलियाल जी, आप यहां से तैयारी भी कर रहे हैं चुनाव की और आप यहां के अध्यक्ष भी हैं सत्ताधारी पार्टी के, आपके पास क्या जवाब है? जो सवाल खड़े हो रहे हैं, विकास का जो पैमाना है उस पर पूरी तरह से खरे नहीं उतर पा रहे हैं आप, कहां कमी रह गई है? जो 2012 में हमारी कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है, कांग्रेस का हमेशा वो रहा है कि हमने विकास किया है, चाहे सड़क का मामला है, विपक्षी कह रहे हैं कि सड़क का काम नहीं हुआ। तो हमारे यहाँ जो आपकी खांकरा खेड़ा खाल मोटर मार्ग है वो हॉट मिक्स के रूप में आपके सामने है, और आपका रुद्रप्रयाग पोखरी जो मोटर मार्ग है वो भी हॉट मिक्स किया है हमारी सरकार ने, वो भी आपके सामने है। जी नगरासू खेड़ा ऊपर डांडा खाल जो मोटर मार्ग है वो भी हॉट मिक्स है, वो भी हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। जहाँ तक पेयजल योजनाओं की बात है, बहुत सारी पेयजल योजनाएँ हमारी सरकार के द्वारा बनाई गई हैं। पटेल जी जिस तरह से बता रहे हैं, साफ तौर पर बीजेपी के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं जबकि सत्ता पक्ष के लोग जो हैं वो जवाब दे रहे हैं, इन दोनों में ही सच्चाई आखिर कितनी है, इसके लिए हम जो सियासी जानकार हैं उनका एक रिएक्शन ले लेते हैं। आखिर वो किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि इस जिले की और इस विधानसभा की कई सारी खासियतें हैं, आप बताइए हम किस रूप में इसको देखें, ये जो तमाम लोग जो हैं अपने अपने तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। पूरे उत्तराखंड में जो पलायन की समस्या है और जो उसके पीछे जो सियासतदान हमारे रहे हैं, इस उत्तराखंड में जो ये रुद्रप्रयाग विधानसभा है, इन लोगों ने 3 बार अपने नए प्रतिनिधि को चुना, 3 विधायक चुन के गए। 2002 और 2007 में जो विधायक चुन के आए उन्होंने शास्त्री नगर देहरादून में अपना घर बना लिया। 2012 में जो चुन के आए हरक सिंह रावत, उन्होंने डिफेंस कॉलोनी में नया मकान बना दिया। अब आप बताइए कि जब आपका परिवार, आपके परिजन 260-250 किलोमीटर दूर वहाँ रह रहे हैं, तो ये रुद्रप्रयाग का आदमी अपनी समस्या रखने के लिए किसके पास जाएगा? क्या यह संभव हो सकता है कि एक आदमी यहाँ से चल के देहरादून जाए और वहाँ अपने विधायक को ढूंढे कि विधायक जी हमें ये काम करना है? इस विधानसभा का भी दुर्भाग्य वही रहा है कि यहाँ पर भी लोगों ने बाहर से आके चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ के देहरादून सेटल हो गए। अगर यहाँ पर रहते, यहाँ की समस्याओं को समझते, इन लोगों के बीच में रहते, तो उनको पानी की समस्या, बिजली की समस्या, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सब का कहीं ना कहीं समाधान होता। हम कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, उनका क्या कहना है। आप बताइए साहब कि पहाड़ की एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो पलायन है, पलायन रोकने के लिए क्या होना चाहिए, क्यों पलायन बढ़ रहा है? पलायन खेतीबाड़ी करनी चाहिए थी आदमियों को, लोगों ने उस समय इनका ये कोदा झुंघोरा जो था इसका कोई रेट नहीं था। अब हमारी सरकार ने इसको महत्व लेते हुए इसका रेट बढ़ा के अब लोग धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ते आ रहे हैं, लोकल उत्पाद को बढ़ाया जा रहा है। आप बताइए कि सरकार कोशिशें कर रही है लेकिन जन आकांक्षाओं पे अभी खरा उतरने में और वक्त लगेगा, जबकि सरकार का कार्यकाल पूरा हो गया। पहले से आज की डेट में जो उत्पादन को लेकर चल रहा है तो बहुत अच्छा, लोगों ने खेती बाड़ी की ओर रुझान कर रहे हैं और सरकार ने जो प्रयास किए हैं बीज और खेती बाड़ी को लेकर और जो चीज़ें सरकार उपलब्ध करवाती है, मेरे को लग रहा है कि आज की डेट में पब्लिक के घर तक पहुँच पाती है और लोग अच्छे से अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं। आप बताइए आपको क्या लगता है कि यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के विकास के लिए कौन से और एहतियातन कदम, कौन से और ऐसे गंभीर कदम सरकार को और सरकारी तंत्र को उठाने की ज़रूरत है जिनसे लोगों का सपना साकार हो सके? जी सर, डेवलपमेंट के लिए तो बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन बीच में जो विधायक विहीन हो गया है उसमें थोड़ा रोड़ा आ गया, लेकिन हरीश रावत सरकार जो कर रही है बहुत बढ़िया कर रही है। कौन से ऐसे कार्य हैं विकास के जो होने चाहिए? मूलभूत सुविधाएँ तो हैं, एक पर्यटन सर्किट की भी बात कही जा रही है, उस दिशा में कहाँ तक बढ़ पाई है सरकार? पर्यटन सर्किट अभी जो केंद्र सरकार की एक योजना थी, कार्तिक स्वामी और दुर्गाधार और नैना देवी जो पर्यटन सर्किट है वो उससे हरियाली देवी को भी जोड़ा जा रहा है, और उन दो जगह, तीन जगह उन पर काम शुरू हो चुका है, फलासी मंदिर के लिए और दुर्गाधार में पर्यटन की योजनाएं कार्य प्रारंभ हो चुका है। दूसरी मैं अब एक मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ, जो आपदा के बाद रुद्रप्रयाग मुख्यालय से लेकर के और केदार घाटी तक लास्ट तक जितने भी पुल थे और यहाँ से लेकर के हमारे गोचर तक जितने भी पुल हैं आज जिस स्थिति में बहे थे उसी स्थिति में हैं, उनमें कहीं भी कुछ प्रगति नहीं है, केवल एक जगह पर प्रगति देखी गई है सरकार की, वहाँ पे एक ही स्थान पे दो दो पुलों का निर्माण किया गया है
और जहाँ पे पुल आवश्यकता थी, जहाँ पे डिग्री कॉलेज थे हमारे, वहाँ पे अभी भी बच्चे ट्रॉली से आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। कई कम से कम 20 और 25 से करीब लोग अपनी जान गंवा चुके हैं वहाँ पे। और अन्य सर्किट जो तल्ला नागपुर एक बहुत बड़ी पेयजल योजना थी 33 करोड़ की, वो अभी तक चालू नहीं हुआ है। पिछली आपदा में बही था, उसका जो हेड था वो बहा था, अभी तक वो चालू नहीं हो पाई है। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि अभी बता भी रहे हैं कि कुछ पुलों से संबंधित है, कुछ सड़कों से संबंधित है, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, जैसा कि हमारी भी जानकारी है कि यहाँ के तीनों जो ब्लॉक हैं वो पूरी तरह से जैविक खेती उनमें होती है, तो ये भी एक हम इसको पॉजिटिव उसमें देख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको अभी किए जाना बाकी है? यहाँ पर जो है, जैसे आप पर्यटन की बात कर रहे थे, तो पर्यटन के क्षेत्र में जो है हरियाली देवी जो है अपने आप में जो है एक महत्वपूर्ण स्थान है। और हरियाली देवी में जो ये यात्रा होती है छोटी दीपावली को, वो जसोली से हरियाली कांठा तक जो है अपने आप में एक अद्भुत किस्म की और विचित्र किस्म की यात्रा है। इस यात्रा में पैदल नंगे पांव और अंधेरे में जो है चल करके जो है 8 किलोमीटर की यात्रा पूरी की जाती है। मैं समझता हूँ ये दुनिया की एक विचित्र यात्रा है, और इस यात्रा को नंदा देवी राज जात की तर्ज पर जो है दूसरे दर्जे की यात्रा के रूप में जो है इसको विकसित किया जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो शासन में हैं वो सुखी नहीं हैं। महिलाएं जो काम महिलाओं का था, महिलाओं कहीं भी महिलाएं जब क्षेत्र में बाहर निकलती हैं तो महिलाओं को हमेशा कहीं ना कहीं महिलाओं को किया जाता है, महिलाओं के साथ आज आए दिन दुराचार हो रहे हैं। महिलाएं कहीं भी अपनी उससे नहीं निकल पा रही हैं, कॉलेजों में जाओ, स्कूलों में जाओ, कहीं भी बाहर निकले महिला अपनी दमंगता से, कितनी भी दमंग हो महिला पर, फिर भी उसको वंचित किया जाता है। और ये हम उस सरकार को हरगिज नहीं चाहेंगे जो महिलाओं का सम्मान न करे। आज नारी निकेतन का आपने हाल देखा होगा, नारी निकेतन में कैसा हाल हुआ है, इंटर कॉलेजों में टीचर नहीं है। मान्य जाए लड़का कहीं भी दूर जा सकता है, हमारी जो इंटर में 12वीं में पढ़ रही बेटी वो कहाँ जाएगी? मैथ्स के टीचर नहीं है, केमिस्ट्री के टीचर नहीं है, फिजिक्स के टीचर नहीं है, या किसी भी महिला को परसा पीड़ा होती है, यहाँ डॉक्टर नहीं है। यहाँ मुख्यालय पे ये सेंटर है, दो यात्राओं को पड़ाव रुद्रप्रयाग है, मेन सेंटर रुद्रप्रयाग हॉस्पिटल है। यहाँ कभी भी आओ तो ये रेफर केंद्र बना हुआ है, 12-13 डॉक्टरों का स्टाफ नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, यहाँ से श्रीनगर जाना पड़ता है। कहीं भी महिला आज दिन सुरक्षित नहीं है, और 2012 से तो महिला बहुत ही ज़्यादा असुरक्षित महसूस कर रही है अपने आप को। महिलाओं की कहीं सुनी नहीं जाती है, महिलाओं का कहीं ऑफिस में जाओ महिलाओं का कोई काम नहीं होता है, जहाँ देखो घूस रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार दुनिया भर का। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई जो उन्होंने इतना भ्रष्टाचार इतना वो, अभी BDC बैठक में आए थे, मैंने एक मांग रखी थी उनसे कि माल तोली तोक है यहाँ पे ओट के तोल या सन बैंड के, वहाँ पे मैंने वहाँ इंटर कॉलेज के लिए डिग्री कॉलेज के लिए यहाँ से मैंने कहा था कि बच्चों को तल्ला नागपुर क्षेत्र डिग्री कॉलेज दूर पड़ता है, या तो उनको अगस्त मुनिया आना पड़ता है या तो उनको कर्णप्रयाग जाना पड़ता है। कोई गरीब माँ अगर विधवा है अपने बच्चों को दो रोटी खिला के अगर नज़दीक डिग्री कॉलेज बन जाता तो वो बच्चों पढ़ पाते। हमारे यहाँ दूर बारिशों के टाइम पे वो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, वो बच्चों बिल्कुल घर से वंचित हो जाए, इंटर पास करके वो बच्चे घर में बैठे रहते हैं। बयाल जी, आप ही के बराबर में खड़े होकर महिला साफ साफ बयान कर रही हैं, उनके सम्मान का पूरा ख्याल नहीं रखा जा रहा है। और इसके साथ जो घोषणाएं की जाती हैं सरकार के मुखिया के द्वारा या सरकार की तरफ से, वो पूरी तरह से धरातल पर नज़र नहीं आती हैं, क्या जवाब है आपका? महिलाओं का सम्मान के लिए हमारी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं या सहायिका हैं, उनकी तनख्वाह जो हमारी कांग्रेस सरकार माननीय हरीश रावत जी द्वारा बढ़ाई गई है वह आपके सामने है। महिलाओं हो सके आपको पता ना हो। दूसरा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वो झंगोरा उसका जो हमारे जैविक उत्पाद हैं उनके बढ़ाने के लिए महिलाओं को उस वो किया है। फल वृक्ष जो महिलाएं हमारी लगाएंगे उनके लिए भी हमारी सरकार द्वारा उनको अनुदान देने की बात की। श्रीमाल जी, कितना सहमत है आपके जवाब से? बिल्कुल नहीं। देखो, इस समय जहाँ जैविक खेती की बात की जा रही है वहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी देहरादून से कहते हैं कि पहाड़ के लोग अपने खेतों में भांग की खेती करो, तो क्या वो यहाँ के जो रोजगार के अवसर ढूंढ रहे हैं बेरोजगार, उनको क्या नशेड़ी बनाना चाहते हैं? उनके रोजगार की जगह उनको भांग उगाने की बात करते हैं। जहाँ तक हमारे जिलाध्यक्ष जी का कहना है कि इन्होंने रोड की हॉट मिक्सिंग की, ये सारी योजनाएँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में पूरी स्वीकृत हो चुकी थी। बहरहाल, वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो चर्चा करेंगे केदार बाबा की नगरी में
और कौन से ऐसे विकास के कार्य हैं जिनको कम समय में अमलीजामा पहनाया जा सकता है।